लेकिन उत्तराखंड विधानसभा के भीतर की तस्वीरें, क्योंकि कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो तस्वीर आई थी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री संविधान की कॉपी लेकर के पहुंचे थे, और इस वक्त आपको वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो कार्यवाही है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इसके बाद, क्योंकि विशेष सत्र है और इसको UCC के लिए ही कॉल किया गया, यानी कि UCC के लिए ही बुलाया गया है, वो इस बिल को अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी, चर्चा का दौर भी। लेकिन अपने आप में दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समय समय पर इस बात का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव में गए थे तो हमने वादा किया था कि हम प्रदेश में UCC लागू करेंगे, और इसको लेकर के कई राज्यों में भी आपने देखा कि पहल हुई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर के कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड में ये लागू हो जाता है तो आजाद भारत में पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इससे पहले गोवा में है, हालांकि वो पुर्तगाल के वक्त से है। लेकिन सुनिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एक बार कार्यवाही क्योंकि वहां पर शुरू हो चुकी है। हमारे माननीय विधायकों ने प्रदेश में, देश के विभिन्न राज्यों में, मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद कुछ कहेंगे, लेकिन वहां पर क्योंकि जो विधायी कार्य है वो अब शुरू होने वाला है। इस पीठ से भी मेरे और दृष्टांत पेश किए गए हैं, और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न विषयों पर उन नजरों का, दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल पर, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित भी किया जा रहा था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की UCC जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया, उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर, तो ये विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन अक्षय, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए और इन्हीं तस्वीरों के साथ, अक्षय सवाल यही था कि इसमें एक लंबी बहस चली है, पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अपनी दलीलें, लेकिन आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारी चीजें बदल जाएंगी अब से। बिल्कुल बदल जाएंगी, और इन्फॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरह से धामी सरकार ने तैयारियां की हैं, जिस तरह से लोगों से संवाद किए गए हैं, 2,33,000 से ज्यादा लोगों से संवाद किए गए हैं, और सीएम धामी का ये मानना है कि लगभग उत्तराखंड की आबादी का 10% के करीब लोगों से संवाद हो चुका है। और ऐसे में अब जबकि विधानसभा सत्र कॉल किया गया है, आज टेबल कर दिया गया है, आज इस पर चर्चा होगी, कल भी ये माना जा रहा है कि चर्चा होगी और कल वोटिंग होगी, इसके बाद इस कानून को मान्यता दे दी जाएगी। उत्तराखंड के लिए तो एक मील का पत्थर साबित होगा ही, लेकिन देश के लिए भी एक मापदंड बन सकता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश करने की कवायद धामी सरकार की तरफ से है। और प्रिया, आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की जाए या फिर अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर धामी का समर्थन भी किया है, और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी इस बिल को लेकर के आए हैं, ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास में भी इसका काम बेहतर हो सकता है। हालांकि विपक्ष के अपने अपने तरीके हैं, विपक्ष ये मानता है कि जिस तरह से ये UCC लाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, और खास करके उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है वहां के लोगों के लिए। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा सत्र कॉल कर दिया गया है, इस सत्र में ये UCC पास भी किया जाना है, जिसमें कि तमाम अधिकार देने की बात की गई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कठोर प्रावधान किया गया है,
वहां पर आपको अगर रहना है तो एक रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस विधेयक में कई ऐसी बातें हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए तकलीफदेह हो सकती है, और खास करके ये है कि कन्वर्जन रेट पर निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि रोक लगाया गया, यह कानून जो कि एक बेहतर दिशा में जा सकता है, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस विधेयक का, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि धामी सरकार के पास बहुमत, स्पष्ट बहुमत है, तो इसलिए इस विधेयक को आसानी से पास करा ले जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। जिस तरह से समान नागरिक अधिकार संहिता को लेकर के कवायदें की गई हैं और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का समर्थन मिला है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में प्रिया ये जरूर है कि ये विधेयक तो पास होगा ही, दूसरे राज्यों के लिए नजीर भी बनने जा रहा है, हालांकि विपक्ष अपने अपने दावे हैं। यही सवाल है अक्षय, क्योंकि इस पर तो बहस चली है कि धर्म पंथ के हिसाब से अलग अलग कानून क्यों, जब देश एक है तो अधिकार एक क्यों नहीं, इसको लेकर के तो लंबी चर्चा चली है। लेकिन देश में यूसीसी को लेकर के जारी बहस के बीच अगर एक राज्य कुछ इस तरीके से पहल करता है, हालांकि गोवा में 1867 से इम्प्लीमेंटेड है ये पुर्तगाल सरकार के वक्त से, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो राज्य जहां पर अभी कवायद चल रही है, यूपी गुजरात जैसे स्टेट्स, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, और खास करके जो ड्राफ्ट है प्रिया, जैसे लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है, वो ड्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तलाक, जो तीन तलाक के मामले सामने आए हैं, वो निश्चित रूप से इस पे रुकेगा। सभी धर्मों में बच्चे का गोद लेने का अधिकार है, वो आसान प्रक्रिया बनाने की कोशिश की गई रही है, और ये जो ड्राफ्ट होगा ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक ड्राफ्ट का काम कर सकता है, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि जो भी राज्य लागू करेंगे, जैसे गुजरात ने प्रोसेस में है कि वो भी लागू कर सकते हैं, यूपी ने भी ये बातें मानी है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ड्राफ्ट बनाने में समय काफी लगा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस ड्राफ्ट को पढ़ करके और विधानसभा में ला रहे हैं। अब सरकार ने कर लिया है, जो सरकार में मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, अपनी वो बात रख रहे हैं, उन्होंने टेबल कर दिया है, वो प्रस्ताव कर रख दिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, विपक्ष के जो पहले विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, और सुन लेते मैं लौट रही हूं अक्षय, एक बार सुन लेते कार्यवाही, एक बार सुन लेते कि वहां पर क्या चल रहा है। अध्याय है कि कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सत्र के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी, और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके तो दरअसल इसको बेंच कर दिया गया है प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री की तरफ से, और अब जो विधायी कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, जिस बात का जिक्र अक्षय कर रहे थे कि दरअसल इस पर कल भी चर्चा होने वाली, अभी चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी और कल ही वोटिंग होगी, लेकिन क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी है, सरकार के पास वो आंकड़ा है, तो जाहिर है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि यूसीसी अब यहाँ से इजिली, अभी जो हालात बने हुए वो ये कि लागू हो जाएगा, आगे इसको यहाँ से पास कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बाद कुछ बदलाव आएंगे, और सबसे अहम यह कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा आजाद भारत में, पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया गया है, वहां पर उसे लागू किया गया है। जो पूरी कमेटी बनी उसने क्या कुछ सजेशंस दिए, हालांकि इसको लेकर के आप देखिए कि सरकार के स्तर से, सरकार की तरफ से लोगों से संपर्क भी साधा गया, लोगों से सुझाव मांगे गए अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जगहों पर, कि आम लोग इसको लेकर के क्या चाहते हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जब लोगों से बात
हुई, लोगों से संवाद हुआ, तो अधिकांश लोग इस पक्ष में थे कि जो समान कानून है, समान जो अधिकार है वो होना चाहिए, और इसी वजह से ये जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया, जो कमेटी बनाई गई। और लगभग लगभग आप देखिए 13 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मंचों से इस बात का जिक्र किया। इससे पहले भी बीते साल ये बात कही जा रही थी कि साल के आखिर तक सरकार इस पूरे जो यूसीसी का जो पूरे जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए साल के आखिर तक इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि फिर थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, कमेटी की जो डेडलाइन थी उसको और आगे बढ़ा दिया गया, और इसके बाद कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट देखने के बाद तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, और उसके बाद मोहर लगती है, उसके बाद विशेष सत्र को आहूत किया जाता है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक लंबा इंतजार का वक्त था, प्रतीक्षा की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो यूसीसी है वो आने वाला है, आज ऐतिहासिक दिन है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था। और देखिए वो दिन भी आ गया जब यहाँ पर मुख्यमंत्री और तमाम जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और यूसीसी को लेकर के अब आगे जो पहल है वो यहाँ पर की जा रही है। अब इसमें कितना वक्त लगा, क्या कुछ तमाम चीजें रही, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन इसके बाद कई सारे चेंजेस हो गए, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, इसमें जो सिविल लॉ है उसमें ये चेंजेस होंगे। सिविल लॉ यानी कि शादी, इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर के, अडॉप्शन को लेकर के, तमाम चीज़ें जो कि इसके दायरे में आ जाती हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से, अलग अलग पंथ के हिसाब से पहले तमाम चीज़ें चला करती थी, लेकिन अब वो तमाम जो अलग अलग वर्गीकरण है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक छत के नीचे, एक शेल्टर के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगी, और इसके लिए जो तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि उसके बाद जब ये पास हो जाता है तो फिर और चीजें जो हैं वो विस्तृत रूप से सामने आ पाएंगी, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको बता रहे हैं मोटा मोटी कि आखिरकार इसे क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो समान लोग हैं यानी कि जो आम आदमी है उत्तराखंड में उसके जीवन में क्या तब्दीलियां आएगी यूसीसी के बाद, वो भी मैं आपको बता रहे थे। बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद और जो तस्वीर है वो उत्तराखंड विधानसभा से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल कार्यवाही चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपको भारत 24 लगातार दिखा रहा है।